हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज है वेंसडे अगस्त टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऑफ द डे फॉर टुडे इज अवेयर अवेयर ए डब्ल्यू ए आर ई अवेयर अवेयर का मीनिंग होता है नोइंग अबाउट और रियलाइजिंग समथिंग किसी बात का जानकार यानि कि किसी बात का जानकार होना यानि किसी बात की, जानकार किसी बात की जानकारी हमारे पास होना नोइंग अबाउट और रियलाइजिंग समथिंग यानी किसी बात के बारे में हमें जानकारी है कॉन्शियस और समबडी something थिंग और इंटरेस्ट एंड इन्फॉर्म्ड किसी बात के विषय में सचेत यानी कि कोई भी बात है उसके बारे में आई एम या सम वन एल्स इज कॉन्शियस यानी कि कोई बात है या कोई इंसान है किसी के बारे में किसी चीज़ के बारे में इफ़ आई एम कॉन्शियस या मुझे उस बात के बारे में जानना है या जानकारी मेरे पास है दैट मीन्स आई एम अवेयर इंटरेस्टेड एंड इन्फॉर्म्ड का है इच्छुक और जानकार यानी कि मैं इच्छुक हूँ और उस बात की जानकारी है सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अवेयर अवेयर का मीनिंग होता है किसी चीज़ के किसी बात के बारे में जानकारी रखना जैसे हम कहते हैं यू शुड बी अवेयर ऑफ़ द करंट अफेयर्स यानी कि हमें करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि देश देश विदेश में क्या क्या हो रहा है डेली की न्यूज़ होनी चाहिए पता होनी चाहिए हम सबको फॉर द नॉलेज वी ऑल शुड बी अवेयर अबाउट द अबाउट अर सराउंडिंग्स कि हमारे आसपास क्या हो रहा है देश विदेश में क्या हो रहा है न्यूज़ क्या हो न्यूज़ में क्या चल रहा है इस वक्त तो हमें अवेयर रहना चाहिए यानी कि जानकार रहना चाहिए कॉन्शियस रहना चाहिए कि वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड अस सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अवेयर नाउ वी मूव टू दिनोनिम्स सिनोनिम्स का मीनिंग होता है uh, मिलते जुलते शब्द जिन्हें हिंदी में हम पर्यायवाची कहते हैं सो so, synonyms ऑफ अवेयर आर अटेंटिव कॉन्शियस familiar, informed, acquainted. acquainted का मीनिंग होता है कि जानकारी होना या किसी बात के बारे में जानना पता होना अलर्ट माइंडफुल तो ये सारे जो वर्ड हैं ये हैं सिनोनिम्स ऑफ अवेयर जैसा कि आप देख सकते हैं अटेंटिव का मतलब क्या होता है जो बहुत अटेंटिव रहता है जैसे सारी बातें पता रहती हैं या वो पत, पता करने का इच्छुक रहता है जैसे कि हम किसी एक छोटे बच्चे को अटेंटिव कह सकते हैं जो सारी चीज़ें देखने में जानने के लिए बहुत ही इच्छुक रहता है कॉन्शियस फेमिलियर यानी कि जानकार इन्फॉम्ड इंफॉर्मेशन रहती है क्वेंटेड कि जानकार है अलर्ट रहता है हर समय व्हाट इज़ हैपनिंग और माइंडफुल यानी कि जिसका माइंड अलर्ट रहता है नाउ वी मूव ऑन टू द एंटन ऑफ अवेयर अब अवेयर का जो मीनिंग है वो है कि सारी बातों की जानकारी रखना इच्छुक होना इंटरेस्टेड होना इन्फॉर्म्ड होना कॉन्शियस होना तो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि बिल्कुल भी कोई खबर ही नहीं है अनकॉन्शियस इग्नोरेंट जो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं है सो एंटनिम्स ऑफ अवेयर आर इग्नोरेंट अनफमिलियर इन अटेंटिव अनफ्रेंडली अनअवेयर अनकॉन्शियस केयरलेस और माइंडलेस सो दीज आर दिनोनिम्स एंड एंटनिम्स ऑफ अवेयर नाउ वी मूवन टू देंटेंसेज सो सेंटेंसेज एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हेल्प से और भी बहुत अच्छे से ये वर्ड क्लियर हो जाएगा सेंटेंस नंबर वन इज़ एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ़ द हज़र्ट्स ऑफ स्मोकिंग यानी कि स्मोकिंग करने के क्या नुकसान हैं क्या हेल्थ हज़र्ट्स हैं इससे सभी लोग अवेयर हैं सभी लोग इस बारे में जानते हैं सब लोग फमिलियर है इस इन्फॉर्मेशन के कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ बट फिर भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग कितने लोग स्मोकिंग करते हैं इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है बट कुछ लोगों का कुछ किया नहीं जा सकता एक एडिक्शन बन जाती है कुछ लोगों के लिए दे कांट गेट रेड ऑफ़ सो बैक ऑन टू द टॉपिक फर्स्ट सेंटेंस एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ़ द हज़र्ड्स ऑफ स्मोकिंग यानी कि सारे लोग ये जानते हैं कि स्मोकिंग करने के क्या क्या हेल्थ के लिए नुकसान है सब लोग इस बात के जानकार हैं एवरीबडी इज़ एक्वेंटेड विद दिस इन्फॉर्मेशन सब इस बारे में जानते हैं नाउ वी टेक द सेकेंड सेंटेंस वी ऑल शुड बी वेरी अवेयर ऑफ आर थॉट्स बिकॉज एज यू थिंक सो शैल यू बिकम सो so, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट और राइट right है अकॉर्डिंग टू द थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस और एक तरीके से सेंटेंस के तरीके से भी कि जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा वी ऑल शुड बी वेरी अवेयर ऑफ आवर थॉट्स बिकॉज एज यू थिंक सोशल यू बिकम यानी कि हम सबको अपनी थॉट्स के प्रति बहुत ही अवेयर रहना चाहिए अलर्ट रहना चाहिए कॉन्शियस रहना चाहिए कि सारे दिन में हम क्या सोचते हैं किस बारे में सोचते हैं और क्यों सोच रहे हैं वो सारी बातें हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा कौन सी बातें सोचता है और कौन सी बातें हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है तो थिंकिंग जो हमारी थॉट प्रोसेस है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे क्योंकि बहुत फेमस सेइंग है देर इज़ अ वेरी फेमस एज यू थिंक शैल यू बिकम यानी कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे और ये बहुत ही सच्ची और बहुत ही बड़ी बात है आपको पता है मैं बताना चाहती हूँ कि जब बहुत सारे जो मिलिनर्स हैं बिलिनर्स हैं जितने वर्ल्ड के सक्सेसफुल पीपल हैं ग्रेट लीडर्स हैं जब उन सब की एक स्टडी की गई कि वो मतलब पूरा दिन में ट्वेंटी फ़ोर आवर्स वो क्या सोचते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो उस स्टडी में पता चला कि वो पूरे टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ सोचते हैं जो कि वो बनना चाहते हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची थी जो कि आज वो बन गए हैं सो वी ऑल हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट आर थाट्स कि हम पूरा दिन में क्या सोच रहे हैं क्योंकि हमारी सोच का हमारे जीवन पर बहुत ही आ, एक तरीके से ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है इसलिए जब भी सोचें हमेशा पॉजिटिव सोचें ईच एंड एवरी आर हर घंटे अपनी थॉट्स की चेकिंग करते रहिए कि इस घंटे आप क्या सोच रहे हैं और एवरी आर आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बना सकते हैं जो कि आप रिपीट करें वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी आपकी थॉट्स को पॉजिटिव बनाए रखने में सो दिस इज़ इट for this sentence now we move on to third sentence roshni is well aware of her duties and responsibilities yani ki roshni is a girl jo ki bahut acche se she is well aware yani ki wo bahut अच्छे से जानती है समझती है उसे पता है कि उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं so, these are the sentences. to get understood understand this word very clearly so I hope के आपको ये वर्ड समझ आ गया होगा डेली इंग्लिश वोकेबलरी सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज यूनिक को सब्सक्राइब करें और साथ ही icon को भी प्रेस कर दें मैं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स यूनिक पर डेली एक इंग्लिश वकीबलरी वो डालती हूँ सो प्लीज़ उसको देखें जिससे आपकी इंग्लिश वकीैबलरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी और इन्हेंस होगी जिससे कि आपकी स्पीकिंग इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आएगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी ऑल द वीडियोज़ ऑन माई चैनल So this is the end of my video. Thank you. Thank you so much for watching.